नहीं, ये बालगृह है और बच्चे बच्चियाँ या अनाथालय, मतलब ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको, इनका इस समाज में कोई नहीं है और यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हम सबका कर्तव्य है, फर्ज है कि ऐसे बालगृह में, ऐसे अनाथालय में पहुँचें और उन बच्चे और बच्चियों को निश्चित तौर से उनको ये महसूस न होने दें कि इनके साथ कोई नहीं है, इनके परिवार का कोई नहीं है। हम सब लोग निश्चित तौर से आज यही सोच कर यहाँ आए हैं कि इनके साथ पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जुड़कर इन बच्ची बच्चियों के साथ रहेगी और जो भी हम लोगों से हो सकेगा इस बालगृह के लिए, इस परिवार के लिए हम सब लोग मिलकर करेंगे और इन बच्चे बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनके साथ कांग्रेस पार्टी हर कदम पर खड़ी रहेगी। कल केशव प्रसाद द्वारा ने का सीएम योगी की तारीफ करी, कि देश में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया है। देखिए, ये लड़ाई योगी जी और केशव मौर्य की नहीं है, ये पूरी जो लड़ाई की जो स्क्रिप्ट है वो दिल्ली से तैयार होती है। वहाँ से जितना कहा जाता है केशव मौर्य को उतना केशव मौर्य बोलते हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि योगी की बड़ाई करो क्योंकि चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, 10 जगह भी होगा वहाँ बुरी तरीके से हारेंगे, तो ये इसलिए कि अब ये पूरी तरीके से ये बनावटी खेल चल रहा है। ये दिल का नहीं, ये दिल से की बात नहीं है, ये दिल्ली के स्क्रिप्ट के अनुसार रट्टू तोता की तरह केशव मौर्य से बुलवाया जा रहा है। हाईकोर्ट में जो गवर्नर ने आदेश दिया उसको चैलेंज किया, जिसमें उनको अगली सुनवाई 29 अगस्त को मिली है। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये गवर्नर जहाँ जहाँ भी इस तरह की पोस्ट है वहाँ पर जहाँ नियुक्त हुए हैं वहाँ ये सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, बायस्ड हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें लिस्टिंग की है। मैं समझता हूँ कि उसमें जरूर, क्योंकि जो इनकी अत्याचार अन्याय जो चल रहा है उस पर जरूर माननीय उच्च न्यायालय अब संज्ञान लेगा और निश्चित कार्रवाई करेगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की स्थितियाँ, बंगाल में जो स्थिति हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इस पर तत्काल इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी घटना आप देख सकते हैं उत्तराखंड में देहरादून के अंदर जिस तरीके से एक बच्ची के साथ उस वहाँ घटना घटती है, पूरे देश के अंदर एक वातावरण इस तरह का दूषित बना रखा है। मैं आज रक्षाबंधन के पर्व पर सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से यही आग्रह करूँगा, रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। सब लोग जैसे आज हम इस बालगृह में आए हैं, इन बच्चियों को अपनी बेटी माने, अपनी बहन माने, परिवार माने और निश्चित तौर से उनकी रक्षा करें और आज ये रक्षा बांध कर रक्षा सूत्र उनके उनको उनकी रक्षा करने का सौगंध लें, कसम लेकर जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।